गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, अपनी हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास चल रही थी, अपने हिस्ट्री और पॉलिटिकल दोनों सब्जेक्ट की अपने क्लास चल रही है, जिसमें अपने हिस्ट्री में कौन सा चैप्टर चल रहा था, थर्ड चैप्टर चल रहा था बंधुत्व जाति और वर्ग। और ये कब की बातें कर रहे हैं, अपने 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य की। तो इसमें भैया अपने तीन क्लास अपने हो चुकी है, आज अपने बात करते हैं पाठ संख्या 4 की, चौथा भाग आज अपने देखेंगे और आज की क्लास में अपना यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अपने बुक के अकॉर्डिंग अपने कौन कौन से टॉपिक शेष रहे हैं, वो ये है भैया। पहला टॉपिक है साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, इतिहासकार और महाभारत। दूसरा है भैया महाभारत की भाषा और विषय वस्तु, फिर लेखक और तिथियाँ, फिर सादृश्यता की खोज और फिर गतिशील ग्रंथ। ये टॉपिक अपने इस चैप्टर में शेष रहे, जिनकी चर्चा अपने आज की इस क्लास में करेंगे। और इनसे देखो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बताते रहूंगा। तो पहला जो टॉपिक है भैया, इस टॉपिक से पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय किन किन बातों पर विचार करते हैं। मतलब कोई भी इतिहासकार है, वह किसी भी महाकाव्य, किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण कर रहा है, उसकी जांच कर रहा है, उसको देख रहा है, उसको पढ़ रहा है, उसके ऊपर एक प्रकार से चिंतन कर रहा है, तो वह कौन कौन सी बातों पर ध्यान देता है, उसके कौन कौन से पहलुओं पर गौर करता है, इस प्रकार का क्वेश्चन अपने आता है। और दो नंबर का यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें देखो भैया, कोई भी इतिहासकार है वो सबसे पहले क्या देखेगा, उस ग्रंथ की क्या देखेगा, भाषा, कि वह ग्रंथ जो है वो कौन सी भाषा में लिखा हुआ है। अब भाषा में देखो भैया अपने दो प्रकार की भाषाएं आ गई, या तो पाली भाषा, प्राकृत भाषा, तमिल भाषा। ये भाषाएं कैसी है, आम लोगों की भाषाएं हैं। मतलब 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य जो आम लोगों की जो भाषाएं थी, ये भी दोनों क्वेश्चन अभी ध्यान रखना एक एक नंबर के, कि इस समय आम लोगों की भाषाएं कौन सी थी, पाली, प्राकृत और तमिल। तो वो जो लेखक होता है, इतिहासकार होता है, वो ये देखता है कि इस ग्रंथ की या इस महाकाव्य की जो भाषा है वो कैसी है, आम लोगों की भाषा है या फिर पुरोहित तथा खास वर्ग की भाषा है। पुरोहित और खास वर्ग कौन सा भैया, पुरोहित हो गए अपने पंडित वगैरह, अपने ब्राह्मण वगैरह, ये खास वर्ग हो गए, इनकी भाषा कौन सी थी, संस्कृत भाषा थी। तो सबसे पहला काम तो वो क्या करता है, वो भाषा को देखता है, भाषा को देख के वो आइडिया लगा लेता है कि यह ग्रंथ जो है वो किन के लिए है, आम लोगों के लिए है या विशेष लोगों के लिए। अगर भाषा आम होगी, आम भाषा में कौन सी, प्राकृतिक, तमिल और पाली, तो वो आइडिया लगा लेगा कि यह आम लोगों के लिए लिखा गया है। अगर उसकी भाषा संस्कृत होगी तो वह यह आइडिया लगाएगा कि यह ग्रंथ जो है वो पुरोहित तथा खास वर्ग के लिखा गया है। क्लियर है। दूसरी बात आती है भैया श्रोता, कि किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय जो इतिहासकार है वो श्रोता पर ध्यान देता है। श्रोता यानी सुनने वाले, उसको देखने वाले, कि इस ग्रंथ को सुनने वाले लोग कितने हैं, उन लोगों की संख्या कितनी है, श्रोताओं का नजरिया कैसा है। आप कोई भी मान लो कोई पुस्तक पढ़ते हो, कोई भी ग्रंथ पढ़ते हो, जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब आप लास्ट में कई बार कई स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर बहुत अच्छा पढ़ाया, और कई को अगर पसंद नहीं आती क्लास तो वो कहते हैं कि सर मज़ा नहीं आया, कई कहते हैं सर ऐसा करो वैसा करो। तो ये आप क्या हो गए, श्रोता ही हो गए, या तो आप मेरे को सुन रहे हो या देख रहे हो, और फिर आप क्या कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो। तो फिर कोई दूसरा मेरी वीडियो को देखेगा तो वो उन कमेंट के आधार पर आइडिया लगा लेगा कि यार इसकी क्लास कैसी है। तो दूसरा किस पे जानता है, श्रोता के ऊपर ध्यान देता है इतिहासकार। तीसरा ग्रंथ के प्रकार, ग्रंथ के प्रकार, ग्रंथ मतलब कोई भी, जैसे महाभारत है, कोई भी ग्रंथ हो गया, वो किस प्रकार का ग्रंथ है। प्रकार कितने होते हैं भैया, अपने दो होते हैं, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाए कि ग्रंथ जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने हो गए, कथा ग्रंथ और मंत्र ग्रंथ। कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के हो गए। अब क्वेश्चन ये आता है कि कथा ग्रंथ कौन से होते हैं, तो कथा ग्रंथ वे होते हैं भैया जिसे लोग पढ़ सके और क्या कर सके, सुन सके। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, या आपके पास में कोई पुस्तक है उससे आप पढ़ रहे हो, या आप किसी से सुन रहे हो, तो वो क्या हो गए, कथा ग्रंथ। दूसरा होता है भैया मंत्र ग्रंथ। देखो जो अनुष्ठान के दौरान अनुष्ठानकर्ता पढ़ता है, किसके समय, अनुष्ठान के दौरान अनुष्ठानकर्ता पढ़ते हैं, वो क्या होते हैं,
मंत्र ग्रंथ। मंत्र ग्रंथ कैसे भैया? अनुष्ठान क्या होता है? अनुष्ठान जानते हो, जैसे मान लो अपने कोई हवन करा रहे हैं, कोई यज्ञ करा रहे हैं, वो क्या हो गए? अनुष्ठान। और उस हवन को कराने वाला कौन हो गया? अनुष्ठान करता। कई बार अपने देखते हैं यज्ञ या हवन करते समय ब्राह्मण वगैरह पंडित वगैरह जो होते हैं वो मंत्र बोलते हैं, ठीक है, कोई अपने श्लोक बोलते हैं, तो वो क्या हो गए? अपने कौन से ग्रंथ हो गए? मंत्र ग्रंथ। तो इतिहासकार ये देखता है किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय कि वह ग्रंथ जो है वो किस कैटेगरी का है, खटा ग्रंथ है या मंत्र ग्रंथ है। क्लियर है? फिर अगली बात देखता है भैया, इस ग्रंथ को लिखने वाला जो व्यक्ति है या लेखक जो है वो कौन है, इसके ऊपर ध्यान देता है। इसके बाद में भैया उसका रचनाकाल, रचनाकाल का मतलब कि यह ग्रंथ जो है वो कब लिखा गया, इसकी टाइमिंग क्या थी, किस दौरान लिखा गया, किस समय लिखा गया, ये देखता है। इसके अलावा देखता है भैया लेखक का दृष्टिकोण, कि लेखक ने जब यह ग्रंथ लिखा था उस समय लेखक का दृष्टिकोण कैसा था, उसका नजरिया कैसा था, उसने किन किन बातों को शामिल किया है, उसने क्या सोच के यह ग्रंथ लिखा है, इन सारी बातों के ऊपर एक इतिहासकार क्या करता है, विश्लेषण करता है। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं भैया अपने सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है भैया भाषा और विषय वस्तु। देखो देखो कई स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि सर नोट्स भी लिखाते रहो। देखो मैंने शुरू में एक दो चैप्टर के नोट्स लिखाए थे, बाद में मैंने इसलिए बंद कर दिए क्योंकि कई स्टूडेंट के ऐसे कमेंट आने लग गए कि सर टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं लिखाओ, कुछ कह रहे हैं नहीं लिखाओ, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार वापस मेरे ख्याल से अपने नोट्स लिखाना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने मीडियम परिवारों से या अपने नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते हैं या जो प्राइवेट अपने बारहवीं कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरे ख्याल से मददगार हो सकते हैं। तो ये चैप्टर तो अपने हो जाए इस प्रकार से, फिर चौथे चैप्टर से अपने वापस नोट्स लिखाना स्टार्ट कर देंगे। अब बात करते हैं भैया नेक्स्ट टॉपिक है अपने भाषा और विषय वस्तु। भाषा और विषय वस्तु क्या होती है भैया? अपने किसकी चर्चा करेंगे यहाँ पर? मेन रूप से कौन से ग्रंथ की बात करेंगे? महाभारत की। देखो भैया महाभारत आप सब ने पढ़ी है, सब जानते हो महाभारत के बारे में। तो महाभारत का हम जो पाठ करते हैं, जो महाभारत अपने जो पढ़ते हैं, उसकी भाषा जो है वो कौन सी है? संस्कृत है। ध्यान रखना कौन सी भाषा है? संस्कृत। महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वह कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। और महाभारत की संस्कृत भाषा में जो प्रशस्तियां है वो संस्कृत भाषा की काफी सरल है, समझ रहे हो? मतलब महाभारत जो हो गई वो कौन सी भाषा में हो गई? संस्कृत भाषा में हो गई। और महाभारत की जो संस्कृत भाषा है ना, वो वेदों और प्रशस्तियां, वेदों और प्रशस्तियां, वेद जानते हो अपने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद, जो चार वेद है, उन वेदों और प्रशस्तियां, जितनी भी प्रशस्ति है, चाहे राज प्रशस्ति है या और कोई मान लो अपने कोई भी प्रशस्ति मान लो, ठीक है, उन प्रशस्तियों में जो संस्कृत भाषा है ना, उससे काफी क्या है? सरल है। समझ गए कहने का मतलब? महाभारत की भाषा कैसी है? संस्कृत भाषा है। और यह भाषा जो है वो वेदों और प्रशस्तियों में जो संस्कृत भाषा है, उस भाषा से काफ़ी क्या है? सरल है, उससे काफ़ी इजी है, काफ़ी रोचक है। और सरल होने के कारण इसको आसानी से क्या किया जा सकता है? पढ़ा जा सकता है। यहाँ तक क्लियर है? अब बात करते हैं भैया महाभारत की विषय वस्तु क्या है, मतलब महाभारत में किस बात का उल्लेख है। तो भैया महाभारत की जो विषय वस्तु है ना, वो दो प्रकार की है। ये आपके क्वेश्चन है भैया, ध्यान रखना। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बनेगा मैं आपको उसी समय कह दूंगा, इसलिए इनको आप थोड़ा सा मोस्ट कर लिया करो जब आप नोट्स बनाओ। महाभारत की विषय वस्तु आपको पूछ ले तो महाभारत की जो विषय वस्तु है भैया वो दो तरह की है। विषय वस्तु को दो भागों में बांटा गया है, एक तो है आख्यान और दूसरी क्या है? उपदेशात्मक। महाभारत की विषय वस्तु को अपने कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम है आख्यान और दूसरे का नाम है उपदेशात्मक। मतलब महाभारत में कुछ तो क्या है? आख्यान है और कुछ क्या है? उपदेश है। अब आख्यान क्या होते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है। तो भैया आख्यान किसे कहते हैं? आख्यान का मतलब हो गया कहानियों का संग्रह। कहानियों का संग्रह, कहानियों का मतलब जैसे मान लो
ये कहानियां हो गई खूब सारी, और इनको फिर एक साथ किस में जोड़ दिया, महाभारत में जोड़ दिया, और उसको क्या नाम दे दिया, आख्यान। तो आख्यान तो क्या होता है, कहानियों का संग्रह। तो महाभारत में एक तो क्या है, आख्यान है, कहानियां है, पांडवों की है, कौरवों की है, कोई भी कहानी मान लो अपने द्रौपदी की है, कोई अनेक कहानियां है। तो महाभारत जो है वो एक तो क्या है, आख्यान है। दूसरा है महाभारत क्या है, उपदेश है महाभारत में। उपदेश का मतलब, उपदेश का मतलब हो गया भैया कोई निर्देश, क्या हो गया, निर्देश देना या आदेश देना। और निर्देश या आदेश जो होगा वो किस प्रकार का होगा, शिक्षाप्रद आदेश। जैसे महाभारत में आपको पता हो श्री कृष्ण जो थे, भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने अर्जुन को क्या दिया था, आदेश दिया था, उनको उपदेश दिया था, उनको निर्देश दिया था। तो वो जो महाभारत में श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन ने जब हथियार डाल दिए थे कि मैं हथियार किन के ऊपर चला रहा हूँ, ये तो मेरे ही सगे संबंधी है, मेरे ही भाई बंद है, मैं किन के ऊपर अपने हथियार काम में ले रहा हूँ, तब श्री कृष्ण भगवान जो थे उन्होंने महाभारत में श्री कृष्ण ने अपने अर्जुन को जो दिया था, अपने निर्देश दिया था, जो आदेश दिया था, वह क्या है, उपदेशात्मक है। समझ गए, अपने गीता पढ़ी होगी, गीता में अपने आता है, सबको आपको पता है, महाभारत अपने देखी है कई बार, क्या उपदेश देते हैं वो सब अपने को पता है कि ये है पार, तुम तुम्हारा कर्म करते जाओ, और इस प्रकार से। तो उसके अपने चर्चा नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है भैया, महाभारत की विषय वस्तु के कितने भाग है, दो भाग है, आख्यान और उपदेशात्मक। आख्यान का मतलब हो गया कहानियों का संग्रह, उपदेशात्मक का मतलब हो गया निर्देश देना, आदेश देना, जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को क्या दिया था, आदेश दिया था। और वह आदेश कैसा होना चाहिए, शिक्षाप्रद होना चाहिए। अब देखो भैया, अब बात आती है कि महाभारत एक्चुअल में है क्या। तो देखो भैया, ज्यादातर जो इतिहासकार है वो ये मानते हैं कि महाभारत पहले एक नाटकीय कथानक था। महाभारत क्या थी, पहले एक नाटकीय कथानक था, मतलब कहानियों का संग्रह ही था, और बाद में उसमें क्या जोड़ दिए गए, उपदेशात्मक विषय वस्तु जोड़ दी गई, या बाद में उसमें कौन सा भाग जोड़ दिया गया, उपदेशात्मक भाग जोड़ दिया गया। तो अपने इस पॉइंट का मेन क्वेश्चन है आपके ये। अब बात करते हैं भैया थर्ड पॉइंट की, लेखक और तिथियां कि महाभारत जो है वो कब लिखी गई, किस प्रकार से। देखो हालांकि ये मैं आपको बता भी चुका हूं, अपनी फर्स्ट क्लास जब अपने इसी चैप्टर की स्टार्ट हुई थी उस समय मैं आपको बता चुका हूं कि महाभारत किसने लिखी थी, किस प्रकार से लिखी थी। देखो भैया, सबसे पहले बात करते हैं अपने महाभारत। देखो भैया, ये जो महाभारत है, इस महाभारत का नाम पहले महाभारत नहीं था, जिसे अपने महाभारत कहते हैं वो पहले महाभारत नहीं थी, पहले इसका नाम था भैया जय संहिता। क्या नाम था, जय संहिता। बाद में इसका नाम पड़ गया था भैया भारत, और वर्तमान में इसका नाम है महाभारत। देखो पहले इसमें श्लोक थे भैया 88 के लगभग, मतलब 8800 के लगभग इसमें श्लोक थे, कई बुक्स में 10000 भी लिखा हुआ आता है। उस समय इसका नाम था जय संहिता, ठीक है। उसके बाद में इसमें श्लोकों की संख्या बढ़कर हो गई 24000, मतलब कुछ श्लोक उसमें और जोड़ दिए गए, तब उसका नाम क्या पड़ गया, भारत। फिर इसकी संख्या हो गई भैया, श्लोकों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई, और उसमें श्लोक हो गए 100000, और अब वर्तमान में 100000 श्लोक है, इसीलिए इसको अपने सत्य शास्त्री संहिता भी कहा जाता है। किसको, महाभारत को क्या कहते हैं, सत्य शास्त्री संहिता, सत्य शास्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। 100000 श्लोक इसमें वर्तमान में है। देखो भैया, आपको सबको पता है, मेरा बताया हुआ भी, कि महाभारत का जो लेखन कार्य है उसमें लगभग 1000 वर्ष लगे थे, 500 ईसा पूर्व से लेके लगभग 400 ईसा ईस्वी तक अपने महाभारत लिखी गई थी। तो अब इसका मतलब ये हो गया 1000 सालों में महाभारत लिखी गई है, इसका मतलब इसको लिखने वाला एक आदमी तो हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी आदमी जो है वो अमर नहीं है। एक आदमी कितना जी सकता है, ज्यादा से 100 साल 125 साल। इसका मतलब महाभारत को किसी एक लेखक ने नहीं लिखा है, इसको किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है भैया। जो मूल महाभारत है, जो मूल मतलब मेन जो महाभारत है, स्टार्टिंग की जो महाभारत है, वह किसने लिखी थी, भाटियों ने लिखी थी, भाटी या सारथी। किसने लिखी थी, भाटी सारथी जो होते थे, भाटी बोल दो या सारथी बोल दो, या इनको क्या बोलते हैं,
सूत भी बोलते हैं। देखो ये क्या करते थे भैया, ये अपने जब भी लड़ाई होती थी तो योद्धा के साथ में युद्ध भूमि में जाते और वहां पर योद्धा किस प्रकार से लड़ रहा है, किस प्रकार से अपना मतलब कौशल दिखा रहा है, उसका कि क्या करते थे, उल्लेख करते थे अपने कविताओं में, अपने वीर गाथाओं में उस योद्धा का क्या करते थे, यशोगान करते थे। तो इन्हीं के द्वारा क्या किया गया, सबसे पहले महाभारत को लिखा गया। इसके बाद में भैया अपने आप सबको पता है फिर आ गए थे अपने वेदव्यास। वेदव्यास जो है फिर इन्होंने महाभारत लिखी थी। वेदव्यास जिनको अपने बादरायण भी कहते हैं, बद्रीनाथ के ये रहने वाले थे भैया, वेदों की इन्होंने रचना की थी, वेदों का संकलन किया था, इन कारण इनको वेदव्यास भी कहते हैं। इनको मेन नाम तो इनका महर्षि व्यास ही था, लेकिन वेदों का संकलन करने के कारण इनका नाम वेदव्यास पड़ गया। बादरायण के ये रहने वाले थे इसलिए इनको बद्रीनाथ भी कहा जाता है। ठीक है, कई नाम हैं इनके। फिर तो सबसे पहले तो इन्होंने लिखी, फिर थोड़ा बहुत महाभारत में चेंजिंग किसने कर दिया, वेदव्यास ने कर दिया। फिर अपने जैसे इसी चैप्टर में पढ़ा था अपने कि वी एस सुथांकर जो है इसने फिर महाभारत का क्या कर दिया, समालोचनात्मक संस्करण कर दिया। तो इस प्रकार से कहने का मतलब हो गया कि महाभारत जो है वो किसी एक लेखक के द्वारा नहीं लिखी गई है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या महाभारत किसी एक लेखक के द्वारा लिखी गई है, तो नहीं लिखी गई है। मूल महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है, भाट, सारथी या सूप के द्वारा। ठीक है, और जो अपने अभी वर्तमान में जो अपने साहित्यिक महाभारत अपने जो पढ़ते हैं वह किसके द्वारा लिखी गई है, वेदव्यास के। ये ध्यान रखना भैया, आपको कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि साहित्यिक मतलब जो साहित्य में जो महाभारत आती है उस साहित्यिक महाभारत का रचयिता कौन है, तो अपने को ध्यान रखना है कौन है, वेदव्यास है। और मतलब कहने का मतलब है कि महाभारत जो है वो कई वर्षों से लिखी जा रही थी, उसमें धीरे धीरे चेंजिंग होती रही, उसमें कुछ समय बाद में अपने महाभारत में जो मनुस्मृति है उस मनुस्मृति के भी कुछ उपदेशात्मक भाग जोड़े गए। यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं भैया अगले पॉइंट की। सिंपल सिंपल टॉपिक है, कोई विशेष नहीं है। ये चैप्टर हो जाए इसके बाद में अपने सारे चैप्टर एकदम इजी चैप्टर है, आराम से आप तैयार कर सकते हो। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है भैया सदृश्यता की खोज। सदृश्यता की खोज, सदृश्यता का मतलब क्या होता है, सदृश्यता का मतलब कि एक ग्रंथ की दूसरे ग्रंथ से क्या समानताएं हैं, उसको बोलते हैं सदृश्यता। मतलब उन दोनों में सेम क्या है, जैसे अपने आप कोई कह दे कि संस्कृत और हिंदी में क्या सदृश्यता है, क्या समानताएं हैं, तो अपने कह सकते हैं कि गुरुजी जिसको संस्कृत आती है ना वो 90% हिंदी भी कर सकता है, हिंदी की व्याकरण और संस्कृत की व्याकरण लगभग लगभग समान ही होती है। तो ये क्या हो गई, उसमें सदृश्यता हो गई ना। तो उसी प्रकार से अपने जो महाभारत है उसमें क्या सदृश्यता है, तो देखो भैया सीधी सी बात है, अन्य महाकाव्यों की तरह महाभारत जो है इसमें भी अपने किसका उल्लेख है, जंगलों का उल्लेख है, इसमें अपने महलों का उल्लेख है, इसमें अपने भवनों का उल्लेख है, और सबसे मेन बात इसमें किसका उल्लेख है, युद्धों का उल्लेख है, कौरवों और पांडवों के बीच में जो हुए थे। देखो भैया अपने यूपी में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है हस्तिनापुर। आपने महाभारत देखी होगी और महाभारत में ये नाम बहुत ज़्यादा आता है, हस्तिनापुर। ये अपने जो कुरुओं थे उन कुरुओं की क्या थी, ये राजधानी थी। इस हस्तिनापुर का भैया उत्खनन हुआ था 1951-52 में। 1951-52 में क्या कराया गया, इसका उत्खनन कराया गया। उत्खनन मतलब इसकी खुदाई प्रारंभ की गई, और वह खुदाई किसने प्रारंभ की थी, बीबी लाल। किसकी बात कर रहे हैं, अपने हस्तिनापुर की। तो वहां पर देखो जो समानताएं, अब इस हस्तिनापुर की जब खुदाई प्रारंभ की गई बीबी लाल, ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना अपने, हस्तिनापुर के उत्खनन का कार्य कब व किसके द्वारा किया गया, 1951-52 में बीबी लाल के द्वारा। तो जब भैया हस्तिनापुर का उत्खनन कराया गया, और हस्तिनापुर पड़ता कहां पर है, अपने यूपी के अंदर मेरठ के पास में है भैया, एक छोटा सा गाँव है। तो यहां पर जब उत्खनन कराया गया तो यहां पर अपने कितने स्त्रों के साक्ष्य मिले, 5 स्त्रों के साक्ष्य मिले कि यह हस्तिनापुर जो है वो 5 बार बसा हुआ था। 1951-52 में जब उसका उत्खनन कराया गया तो 5 स्त्रों के साक्ष्य मिले, मतलब पहले कोई गांव था, फिर वो उजड़ गया, फिर दोबारा बस गया, फिर उजड़ गया, फिर दोबारा बस गया, फिर उजड़ गया, फिर दोबारा बस गया, इस प्रकार से मतलब कितने स्तर हो गए, 5 स्तर हो गए। ये लो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फाइव।
तो ये पांच स्तरों का जब उत्खनन कराया गया तो इन उत्खनन के आधार पर बीबी लाल जो है इसने मेन फोकस कौन से स्तर पर किया, दूसरे और तीसरे स्तर पर। दूसरे और तीसरे स्तर पर इन्होंने क्या किया, फोकस किया, और फोकस करने के बाद में उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि दूसरा जो स्तर था उस स्तर की जो दीवारें थी या जो भवन थे वो किसके बने हुए थे, कच्ची मिट्टी के थे, कच्ची ईंटों के और मिट्टी के बने हुए थे। दूसरे स्तर के जो भवन थे वो किसके बने हुए थे, कच्ची ईंटों के थे, कच्ची मिट्टी के थे, दीवारें भी अपने मिट्टी की बनाई हुई थी, कच्ची मिट्टी मतलब इसको गार माटी अपने बोलते हैं, और जिन दीवारों के ऊपर या भवनों के ऊपर जो प्लास्टर किया हुआ था जिसको लिपाई बोलते हैं अपने, वो भी किसकी की हुई थी, मिट्टी की हुई। जब उसने तीसरे स्तर का पता लगाया, तीसरे स्तर का, तो तीसरे स्तर में उसने निष्कर्ष निकाला कि तीसरे स्तर में जो भवन थे वो कुछ भवन तो कच्ची ईंटों के थे और कुछ पक्की ईंटों के थे, और साथ ही साथ में वहां पे क्या बनी हुई थी, नालियां भी बनी हुई थी, नालियां जो थी वो भी किसकी बनी हुई थी, ईंटों की बनी हुई थी। साथ ही साथ में वहां पर प्रत्येक घर के आसपास में क्या बना हुआ था, कुआं बना हुआ था। ठीक है, बस इतना ही अपने को इसमें ध्यान रखना है, मेन क्वेश्चन आप इतना ध्यान रख लो, बस ये क्वेश्चन बनता है, बाकी छोड़ दो अपने, कि हस्तिनापुर के उत्खनन का कार्य कब व किसके द्वारा करवाया गया। क्लियर है। अब अपने एक टॉपिक और बचता है भैया, गतिशील ग्रंथ। देखो इसके ऊपर क्वेश्चन आपको क्या पूछेंगे, सीधा सा क्वेश्चन ये आता है कि क्या महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है क्या, अगर है तो क्यों। दो नंबर का क्वेश्चन दे दे, क्या महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है क्या, अगर है तो क्यों। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो भैया गतिशील का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात तो वही है, गतिशील मतलब जो लगातार क्या करता रहता है, गति करता रहता है, जिसमें लगातार बदलाव होते रहते हैं, चेंजिंग होती रहती है, उसी को क्या बोलते हैं, गतिशील बोलते हैं। समझ रहे हो, जैसे मान लो अपने आज आपने कुछ पढ़ा, फिर कल कुछ और पढ़ लिया, परसों कुछ और पढ़ लिया, इसका मतलब आप पढ़ाई के प्रति क्या हो, गतिशील हो, पढ़ाई में आप क्या कर रहे हो, गति कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। तो गतिशील ग्रंथ महाभारत है क्या, तो भैया महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। क्यों है, क्योंकि इसकी रचना जो है वो एक ही बार में नहीं हुई थी। ऐसे नहीं है कि हाँ एक आदमी बैठा और उसने पुस्तक लिख दी कि ये लो जी ये महाभारत हो गई। इसकी रचना में सबको पता है कि हजारों वर्षों का समय लगा था, इसलिए अपने कह सकते हैं यह गतिशील ग्रंथ है। इस महाभारत में धीरे धीरे नए श्लोक जुड़ते गए, लगातार कुछ प्रकरण इसमें जुड़ते गए, प्रकरण का मतलब घटनाएं वगैरह वो जुड़ती गई, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा था, धीरे धीरे प्रगति कर रहा था। अभी मैंने आपको बताया पहले 8000 श्लोक थे, फिर 24000 हो गए और अब 100000 हो गए, तो ये 100000 पहले 8, फिर 24, फिर 1, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है। इसके अलावा भैया इसे अलग अलग काल में अलग अलग भाषाओं में भी लिखा गया या इसका क्या किया गया, अनुवाद किया गया। तो इस आधार पे अपने कह सकते हैं कि महाभारत जो है वो कैसा ग्रंथ है, एक गतिशील ग्रंथ है। तो ये थी भैया अपने आज की क्लास, आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है। किसी भी स्टूडेंट के कोई प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम पे या कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके भैया, दैट्स ऑल।